अगर आप अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीदने जा रहे हो तो पहले इस वीडियो को देखो। क्या पता आप जो टॉयज खरीदने जा रहे हो वो बच्चों के लिए सही भी है या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉयज है जो कि बच्चों के लिए जानलेवा है और बहुत से टॉयज बैन भी है। तो वो कौन से टॉयज है वो जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टार्टिंग करते हैं काइनेटिक्स बॉल्स से, जो कि दिखने में कुछ ऐसे रहते हैं, लेकिन बात ये है कि ये वाले बॉल्स बहुत सारे कंट्रीज में बैन है। और ये टॉय बैन होने का रीजन ये है कि बच्चे इसे खेलते खेलते खा लेते थे। आप तो जानते हो कि बच्चों की क्या आदत रहती है कि उन्हें कुछ भी दिखा वो उसे खा लेते हैं। और वैसे इस मैग्नेटिक बॉल्स को बच्चे लोग खा लेते थे, जिसके बाद बच्चों की सर्जरी करके इस बॉल्स को निकालते थे, जिसके वजह से ये मैग्नेटिक बॉल्स बैन है। फिर क्रैकर्स, जिससे के बच्चे लोग कुछ ऐसा खेलते है, मगर बच्चे लोग खेलते खेलते कभी कभी ये क्रैकर्स उनके सर और हाथ पे लगते थे, जिससे कि उन बच्चों को सीरियस इंजरी आती थी, जिसके वजह से इस क्रैकर्स को बहुत सारे कंट्री में बैन किया है। इसे तो हर कोई जानता है और काफी लोगों के पास ये है भी, मगर ये होवरबोर्ड इसलिए बैन है कि जब भी लोग इसे चार्जिंग को लगाते थे तो कुछ देर के बाद इसके अंदर आग लगती थी। और तो कभी कभी लोग जब इसका इस्तेमाल करते थे तब इन होवरबोर्ड के अंदर आग लगती थी, और इसीलिए होवरबोर्ड की वजह से बहुत से लोगों को सीरियस इंजरी आई थी। क्या छोटी सी डॉल भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? अगर आपको लगता है कि नहीं पहुंचा सकती तो आप गलत हो, क्योंकि आप इस डॉल को देखो। इस डॉल को स्काई डांसर डॉल कहते हैं, क्योंकि जब भी बच्चे लोग इसे हवा में उड़ाते हैं तभी हवा में कुछ ऐसी उड़ती है। मगर ये छोटी सी डॉल कैसा किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? तो देखो, जब भी बच्चे लोग इसे हवा में उड़ाते थे तो ये हवा से नीचे आते टाइम बच्चों के आंखी पे लगती थी, जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता था, और इसीलिए ये डॉल बैन है। ये वाला टॉय हर किसी का फेवरेट है, क्योंकि इस टॉय से बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है। तो भला फिजेट स्पिनर को क्यों बैन किए? दरअसल रीजन ये है कि कोई भी चीज फेमस होती है तो उसके कॉपी बनते हैं, और वैसे ही फिजेट स्पिनर जब फेमस हुआ था तो बहुत सारे अलग अलग तरह के फिजेट स्पिनर आए थे, जिसमें के कुछ स्पिनर्स ऐसे थे जिनसे के लोग मर भी सकते थे, क्योंकि वो वाले स्पिनर इतने शार्प होते थे कि लोगों को मारने में यूज होते थे, और इसीलिए फिजेट स्पिनर को बैन किए। ये वाला टॉय ज्यादातर लड़कियां यूज करती है, जिसका के नाम इजी बेक ओवन है। ओवन का नाम सुनते ही आपको पता चला होगा कि ये वाला टॉय क्यों बैन है। दरअसल इस ओवन में कोई भी चीज आराम से बेक होती थी, और बच्चे लोग भी इसे बहुत ज्यादा ही पसंद करते थे। मगर जो ओरिजिनल ओवन रहते हैं उसके अंदर कोई भी चीज डालने के बाद उसे बंद करते हैं ताकि हाथ ना जले। मगर इजी टू मेक ओवन के अंदर अगर बच्चों को कोई भी चीज बनानी थी तो वो कुछ ऐसा बनाते थे, लेकिन बहुत से शाने लोग इसके अंदर हाथ डालते थे, जिसके बाद होना क्या था? वही होना था जो कि ओरिजिनल ओवन में होता है। हाँ भाई, उनके हाथ जलते थे, जिसकी वजह से ये टॉय बैन है। ट्रैपलिन तो आपको पता ही होगा, जिसके अंदर के बच्चे जंप करते हैं, और वैसे ही ये मून शूज है जो कि बच्चों को जंप कराते हैं, मगर इससे बच्चे लोग जंप करते करते गिरते थे, जिससे कि उनके सर को बहुत चोट लगती थी, और इसीलिए ये वाले शूज भी बैन है। आपने बहुत सारे वीडियोस में ये वाले क्रोकोडाइल देखे होंगे जो कि नॉर्मल रहते है, मगर ये क्रोकोडाइल आने के पहले कुछ ऐसे वेरिएंट्स मौजूद थे जिसके अंदर के क्रोकोडाइल के टीथ शार्प ब्लेड के थे, जिसमें के बच्चे जब भी इसके अंदर हाथ डालते थे तो बच्चों के हाथ के ऊपर वो शार्प ब्लेड लगते थे। सभी के फेवरेट योयो हनी सिंह को हर कोई जानता है, मगर योयो हनी सिंह के नाम पे एक टॉयज भी है। हाँ भाई, योयो। तो जो योयो वाटर बॉल से वो भी बैन है। तो रीजन ये है कि इसके अंदर जो लिक्विड यूज होता था वो बच्चों के स्किन के लिए डेंजर था, और कभी भी ये लिक्विड बच्चों के स्किन पे लगता था तो उन्हें रिएक्शन और इनलेस होता था, जिसकी वजह से ये वाला टॉय भी बैन है। बचपन में हर किसी ने पिस्टल गन के साथ खेला होगा, मगर ये वाली पिस्टल गन 1950 में जब आई थी तब बच्चे लोग बहुत ज्यादा ही इसे पसंद करते थे, लेकिन इसे भी कुछ टाइम के बाद बैन किए। इसे बैन इसलिए किए क्योंकि इसके अंदर मैजिकल क्रिस्टल यूज होते थे, जो कि केमिकल से बने हुए रहते थे, जिसकी वजह से जब भी ये पानी के संपर्क में आते थे तब ये एक्सप्लोर होते थे, जिसकी वजह से इसके अंदर के प्लास्टिक बॉल्स 70 फीट से ज्यादा दूर जाते थे। लेकिन इस गन के अंदर से जो स्पार्कल निकलता था वो बच्चों के फेस और आंखों पे उड़ता था, जिसकी वजह से उनके फेस और आंखें जलती थी, और इसी वजह से खुद कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बैन किए हैं। 19 के किड्स इसे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये पहले बहुत यूनिक था। मगर आप शॉक होंगे कि ये वाला टॉय भी बैन है। इसे इसलिए बैन किया क्योंकि ये मेटल से बनता था और इसके ऊपर फैब्रिक की लेयर होती थी, क्योंकि ये बच्चों के हाथ पे बहुत टाइम तक रहने वाला तो वो जगह जख्मी होती थी, और ऐसे ही केस बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगे, जिसके बाद इस कंपनी ने ऐसे टॉय
टॉयज को बैन किए जो कि बच्चों को जख्मी करती थी, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों को इतना पता नहीं रहता था कि जो वो टॉयज खरीद रहे हैं वो अच्छे भी है या नहीं। और उनमें से एक स्विंग विंग थी, ये एक ऐसी कैप थी जो कि बच्चे लोग पहन के अपने सर से रोप को रोटेट करते थे, लेकिन इससे काफी बच्चों की हेड इंजरी होती थी, जैसे कि स्पिनल इंजरी और सेरेब्रल हेमोरेज जैसी बीमारी होती थी, जिसके वजह से ये टॉय आगे चल के बैन किए। आपने ये वाला टॉय बहुत सारे मूवी के अंदर देखा होगा, मगर ये वाला टॉय भी बैन है। दरअसल इसका नाम जार्ट बोर्ड है, मगर सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसने पिछले 8 सालों में 60 लोगों से भी ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा, और तो और सर्वे के हिसाब से 3 लोगों की मौत भी हुई थी, जिसके बाद इस टॉय के ऊपर वार्निंग भी दी जाती थी, मगर फिर आगे चल के इस टॉय को भी बैन किए। जरा इस टॉय को देखो, ये टॉय दिखने में तो हार्मफुल नहीं है, मगर इसका नाम वाटर विंगल है, लेकिन इसके वजह से एक बच्चे की डेथ हुई। दरअसल सब बच्चे लोग खेल रहे थे, मगर फिर इस टॉय का एल्यूमिनियम का नोजल जो है वो बच्चे के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे की सांस रोकने के वजह से डेथ हो गई, और इसी वजह से ये वाला टॉय खुद कंपनी ने बैन किया। आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा ही काइनेटिक सैंड पसंद है। अगर आप भी डिसाइड कर रहे हो कि ये अपने बच्चों के लिए लेने के लिए, तो ठहर जाओ, क्योंकि ये सैंड थोड़ी भी बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो रीजन ये है कि काफी बच्चे लोग इसे खाते हैं, जिसके बाद उन बच्चों को एमरजेंसी सर्जरी करना पड़ती है ताकि वो सैंड को पेट में से निकाल सके। और अगर काइनेटिक सैंड बच्चों के पैर के नीचे रही तो बच्चे गिर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी ऑयली रहती है कि आराम से कोई भी स्लिप करके गिर सकता है। इसी के साथ स्लाइम के बारे में तो आपको पता ही है, जो कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही थी, मगर सेम वैसे ही स्लाइम को भी अगर बच्चे लोग खाते थे तो उन्हें एमरजेंसी सर्जरी करना पड़ती थी स्लाइम को काटने के लिए। हर किसी के पास 5 उंगली रहती है, मगर ये वाला टॉय आपको एक एक्स्ट्रा उंगली दे सकता है। दरअसल इस टॉय का नाम 6 फिंगर है, और ये वाला टॉय भी बैन है। रीजन ये है कि ये टॉय दिखने में तो नॉर्मल है, मगर ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये एक मिनी गन के जैसा काम करता है और लोगों को इल्यूजन देता है कि ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा फिंगर है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे लोग इसे एक दूसरे पे यूज करेंगे तो बहुत इंजरी हो सकती है। लास्ट में ये वाली डॉल जिसे कि बहुत बच्चे लोग पसंद करते हैं, और अगर आप भी इसे खरीदने जा रहे हो तो ठहर जाओ, क्योंकि ये जो डॉल है वो उन बच्चों के लिए बनी है जिन्हें के खाने की आदत नहीं है, और ये डॉल हर एक चीज को खाती है, और इसे देख के बच्चे लोग भी खाने लगते हैं। मगर ये डॉल कुछ ऐसी बनी है कि ये हर एक चीज को खाती है, यहाँ तक के बच्चों के हाथ को भी, और तो और बच्चों के कभी कभी बाल भी इसके अंदर जाते थे, जिससे के बच्चे इंजर होते थे। और ऐसे ही केस जब बढ़ने लगे तब कंपनी ने इस डॉल को बैन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होंगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो चेक कर लेना।